तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फ़ाइनली जिस चीज़ का आप सभी लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था और जिस चीज़ के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो इंतज़ार खत्म हुआ आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के उर्दू का मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जी हाँ इसी चीज़ को लेकर आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि मैम आप वी, वी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दीजिए तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग वी आई सब्जेक्टिव जो कि मस्ट वी आई है यानी कि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और पूछे जाएंगे भी हालांकि हर साल मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराती हूँ जो कि मस्ट वी, वी आई होता है और उसी में से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस बार भी मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही हूँ इस बार तो हमारी ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं वो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँ जो कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम में पूछें तो इसी वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार की हूँ और इसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोगों के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि बिहार बोर्ड जिस तरह से क्वेश्चन सेट करता है और इस बार किस तरह का क्वेश्चन सेट करने वाला है क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहेगा लेवल क्या रहेगा और इससे पहले आप लोग के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हर साल के क्वेश्चन पेपर को देखना एनालिसिस करना किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किससे कम पूछे जा सकते हैं इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है और इसी वजह से लेट हो गया नहीं तो मुझे कराना रहता तो बहुत पहले कोई भी क्वेश्चन उठा कर करा सकती थी और कहती कि ये भी यही सब्जेक्ट ही कर लीजिए लेकिन यहाँ पर हो जाता आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो ऐसा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और इसी वजह से हर एक क्वेश्चन को मैं खुद एनालिसिस करके तैयार की हूँ जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई भी हूँ थोड़ी सी लेट हो गई तो उसे क्या देर आओ लेकिन दुरुस्त आओ हमारी एंट्री भले ही यूट्यूब पर थोड़ी लेट होती है लेकिन सबसे ग्रेट होती है कंटेंट जबरदस्त होता है अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ भी रखा है आप लोग की तैयारी स्टार्टिंग से हो रही है एकदम ज़बरदस्त तैयारी है आप लोग हमारा हर एक वीडियो देखें हर एक चैप्टर को पढ़े ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किए हैं स्टार्टिंग से आप लोग तैयारी करते आ रहे हैं या फिर आप लोग स्टार्टिंग से तैयारी नहीं की है आप लोग की तैयारी जीरो है आप लोगों ने उर्दू में एक भी चैप्टर को नहीं पढ़ा है सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मस्ट भी वी है आप लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि यहाँ पर अब स्किप करने का समय नहीं है बल्कि समय है आप लोगों के स्पीड में आने का स्पीड में आ जाइए जोश में आ जाइए और तैयारी ज़बरदस्त कीजिए ठीक है ना ऐसा नहीं सोचिए जिस दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि मैम चुपचाप बैठी हुई हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है ना सोचिए कि हर रोज़ आप लोगों के लिए काम होता है जिस दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है समझिए कि उस दिन काम हो ही रहा है आप ही लोगों के लिए काम हो रहा है तो जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमसे दोगुना मेहनत करें ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को ट्वेल्थ क्लास के उर्दू के बुक में टोटल चालीस चैप्टर हैं चालीस चैप्टर में से केवल एक से लेकर दस चैप्टर तक के वी वी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सिर्फ दस चैप्टर फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा अगले यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले दस चैप्टर यानी कि ग्यारह से लेकर बीस चैप्टर तक के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे फिर उसका अगला जो वीडियो होगा उसमें अगले दस चैप्टर यानी कि इक्कीस से लेकर तीस और फिर उसके अगले वीडियो में इकतीस से लेकर चालीस यानी कि चार वीडियो में चालीस चैप्टर का सारा मस्ट वी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाने वाला है और ये चारों वीडियो आप लोग के लिए अमृत के समान होगा अगर आप ये चारों वीडियो देख लेते हैं सिक्वेंस में तो समझिए कि सब्जेक्टिव का तो टेंशन ही खत्म सारा सब्जेक्टिव इन चारों वीडियो में मैं आप लोग को करा दूंगी तो ये पहला वीडियो है चलिए स्टार्ट करते हैं नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैम स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा बोल दी ठीक है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए समझते हैं यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चैप्टर वन से लेकर टेन तक के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी हूँ हालांकि सिर्फ मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखी हूँ और एंसर भी बताऊंगी ऐसा बात नहीं है कि मैं आंसर नहीं बताऊंगी आंसर भी मैं आप लोगों को डेस्कटॉप पर बता दूंगी लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ बोर्ड पर क्वेश्चन इसलिए लिखी हूँ ताकि ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन की जांच हो जाए यानी कि आप लोग इन सभी सवालों का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं इसकी जाँच हो जाए ठीक है ना इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लिखी हूँ एक से लेकर तीस तक ये क्वेश्चन है और सोचिए कितना समय लगा होगा लिखने में भी और प्लस अभी और भी लिखना है और भी क्वेश्चन है जो कि मैं बोर्ड को मिटाकर और लिखूंगी भी और अगर सोचिए मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखती हर एक क्वेश्चन का इतने सारे क्वेश्चन है इसके साथ आंसर भी लिखती तो और कितना समय लगता तो इसी वजह से तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं फाइनली डिसीजन ले चुकी हूँ डिजिटल बोर्ड लेने का और डिजिटल बोर्ड यानी कि स्मार्ट बोर्ड लेने से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है आप लोग जरूर देखें वहाँ पर मैं सहयोग की बात की हूँ क्योंकि डिजिटल बोर्ड का बजट जो है काफ़ी ज़्यादा है हमारे बजट से इस वजह से मैं आप सभी लोगों का सहयोग चाहती हूँ ठीक है अगर आप लोग यहाँ पर सहयोग करते हैं तो फिर बोर्ड लेना आसान हो जाएगा और एजुकेशन सिस्टम काफी मजबूत हो जाएगा सोचिए यहाँ पर जो मैं लिखी हूं लिखने में जो समय लगा है ये बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को ज्यादा नॉलेज दे पाऊंगी जो समय यहाँ पर मैं लिखने में वेस्ट की हूँ वही समय मैं आप लोगों के कॉन्टेंट बनाने में लगाती तो कितना बेहतर होता कम समय में ज्यादा नॉलेज दिया जा सकता है सोचिए अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो ये क्वेश्चन टाइप किया होता रहता क्वेश्चन के साथ आंसर भी रहता डायरेक्ट वहां पर समझा दो पढ़ा दो और उसी का पीडीएफ क्रिएट करके फ्री में टेलीग्राम पर डाल दो कितना आसान हो जाता सब कुछ आसान हो जाता सोचिए बस आप लोग का ये एक सहयोग एजुकेशन सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है और हजारों लाखों स्टूडेंट के कैरियर को बना सकता है तो एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि हमारा क्यू कोड और अकाउंट नंबर आप लोग को दिख रहा होगा जितना भी आप लोग के अंदर सहयोग करने की भावना जगह जितना भी इच्छा करे उतना आप हमें सहयोग करें और करवाएगी भी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर वगैरह करें और सहयोग करें करवाए ताकि डिजिटल बोर्ड लेना आसान हो सके और एजुकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे पहला सवाल देखिए मैं लिख दी हूँ बोर्ड पर सबसे पहला सवाल है कि फरतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे फर्स्ट क्वेश्चन फ़र्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर खैर आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी फ़र्स्ट चैप्टर का नाम है और इसी चैप्टर में है फ़रतुल्ला बेग और मियाँदानी जो कि मौलवी साहब के घर जाते हैं किस चीज़ के लिए तो पढ़ाई करने के लिए यानी कि तालीम हासिल करने के लिए बस यही चीज़ लफ्ज़ों को सजा कर लिख दे रहे हैं एंसर हो जाएगा लेकिन आप लोग अभी लिखे नहीं क्वेश्चन को पढ़िए और ख़ुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मैं खुद तैयार कर चुकी हूँ जो कि मैं आप लोग को अभी डेस्कटॉप पर कराऊंगी बस आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और ख़ुद से आंसर दीजिए जांच कीजिए कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं और कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद से दे पाए हैं दूसरा सवाल देखिए किस अरबी शायर से मुतल सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई आप लोग को पता होगा वो अरबी शायर जो थे उनका नाम था मुतनबी मुतनबी की शायर को पढ़ रहे थे कौन मिस्टर रजा मियाँ रजा यानी कि मिस मियाँ रज़ा बोलिए फिर मिस्टर रज़ा बोलिए बात देखिए तो मिस्टर रज़ा जो है मतनब्बी की शेर को पढ़ रहे थे और बहुत ज़्यादा गलती कर दी है जिसके वजह से मौलवी साहब जो है ना मियाँ रज़ा की छुट्टी कर दिए यानी कि अपने ट्यूशन से निकाल दिए बोले कि जाओ तुम पहले बेसिक पढ़ो तब तुम आना हमारे पास पढ़ने के लिए ठीक है तो ये सारी बात है आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन देखिए फ़राल्ला बेग शेर में किस तरह की गलतियाँ करते थे फ़रातुल्ला बेग शेर में किस तरह की गलतियाँ करते थे तो ऐरब की गलती किया करते थे ये मस्ट वी क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है ये याद रखिएगा फरतुल्ला बेग जो है जो कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी के राइटर है खाका पहले खाका निगार फ़रतुल्ला बेग और उनका पहला खाका जो है वो है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी तो ये भी याद रखिएगा साथ साथ में बता भी दे रही हूँ तो इस शेर पढ़ने के दौरान फरतुल्ला बेग जो है ना शेर पढ़ने के दौरान ऐरब की ग़लती करते थे यानी कि ज़बर जेर पेश ये उतना नहीं समझ पाते थे ज़बर को ज़ैर ज़ैर को पेश वग़ैरह पढ़ दिया करते थे चौथा सवाल है कि मियादानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियाँ करते थे तो मियादानी जो है ना ये ऐराम की तो गलती नहीं करते थे इनका ज़बर ज़ैर पेश वग़ैरह ठीक था लेकिन शेर को नसर की तरफ़ पढ़ देते थे मतलब शेर को एक शेर के अंदाज़ में पढ़ा जाता है ना लेकिन ये शेर को शेर के अंदाज़ में नहीं आम बोल की तरफ पढ़ देते थे ठीक है तो ये हो गई चौथा सवाल हो गया इसका भी आंसर आप लोग को पता है आगे बढ़ते हैं पाँचवा सवाल देखिए मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था अब मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था किस तरह वो पढ़ाते थे पहले तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट से पढ़वाते थे सुनते थे मुताला करवाते थे और उसके बाद से इनका एक पढ़ाने का तरीका ये भी था कि ये बेंच वगैरह पर बैठा कर नहीं पढ़ाते थे बल्कि चौकी पर खुद बैठते थे और शागिर्दों को भी बैठा देते थे और पढ़ाते थे तो जो भी तरीका अभी मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी लिखा हुआ है डेस्कटॉप पर आप लोग टेंशन ना लें बस आप लोग खुद से आंसर ढूंढिए कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि नहीं बाकी लफ्ज़ों को किस तरह से सजा कर लिखना है वो मैं खुद तैयार कर चुकी हूँ जो कि अभी अभी मैं आप लोगों को कराऊंगी ठीक है छोटा सवाल देखिए रॉक फेलर कौन था और दौलतमंद कैसे बना तो रॉक फेलर जो है ना वो अमेरिका का ताजिर था यानी कि बिजनेसमैन था जो कि मिट्टी का तेल का तजारत करने की वजह से दौलतमंद बन गया ठीक है सातवां सवाल है कि मिट्टी का तेल इंसान का शरीर के गम है कैसे दूसरा चैप्टर है देखिए पहले चैप्टर से ये पाँच क्वेश्चन मैं उठाई हूँ क्योंकि पाँचों क्वेश्चन हर साल पूछा गया है एक एक कर मतलब पाँचों क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कभी किसी साल में ये पूछ दिया गया तो अगले साल में ये पूछ दिया गया फिर उसके अगले साल में ये पूछ दिया गया तो फिर ये पूछ दिया गया मतलब ये पांचों क्वेश्चन जो है ना हर साल रिपीट होते ही रहते हैं इस वजह से ये पांचों क्वेश्चन मैं लिख दी हूँ कि इन पांचों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो पक्का है कि आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा ठीक है दूसरे चैप्टर से ये क्वेश्चन है राक फिलर कौन था उसके बाद से मिट्टी का तेल इंसान का शरीर के गम कैसे है आप लोग जानते हैं मिट्टी का तेल ही है जब इंसान को इंसान का जो है दिल टूटता है ब्रेकअप हो जाता है तो इंसान अपने घर में अकेले चुपचाप गम में डूबा रहता है तो उस वक्त उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहता है तो ये जो मिट्टी का तेल ही है जो जल कर अपना वजूद ख़त्म करता है और इंसान के गम में शरीक होता है ये आप लोग के बुक के हिसाब से है तो जिस तरह से है आप लोगों के बुक में बताया गया है ऑलरेडी मैं आप लोगों को लो चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ उसी हिसाब से बता रही हूँ कि ये मिट्टी का तेल जो है ना मिट्टी के तेल से ही तो चिराग जलता है ना तो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद ख़त्म करता है और इंसान के गम में शरीक होता है तो इस तरह से आप लोग बस आंसर पता रहना चाहिए लफ्ज़ों को सजा कर किस तरह से लिखना है वो मैं तो खुद लिखी हूँ बताऊँगी भी आठवां सवाल देखिए मिट्टी की बेचारियों और ज़िल्लत पर क्यों तरस आता है आप लोग को पढ़ाया गया है ना ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ आग हवा पानी और खाक में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी को समझा जाता है मिट्टी वो है जो कि इस दुनिया के तमाम इंसान के पाँव से रौंदी जाती है मिट्टी जो कि हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है पानी के बहाव के साथ बह जाती है यहाँ तक कि आग की तमाजत यानी कि गर्मी से झुलस जाती है लेकिन उफ तक नहीं करती इसी वजह से मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर हमें तरस आता है आप लोग लिख सकते हैं नवा सवाल देखिए मिट्टी की तह में कौन कौन से ख़जाने कुदरत में छुपा रखे हैं तो मिट्टी के तह में सोना चाँद हिरे ज्योहरात वगैरह है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मिट्टी की तह में एक चिकना और बदबदार पानी है जिसको लोग मिट्टी के तेल के नाम से भी जानते हैं तो ये चीज़ आप लोग को लिख देना है ये सारे खजाने जो है मिट्टी के तह में कुदरत ने छुपा रखे हैं अगला सवाल देखिए सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था इनके पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान था तारीख़ इस्लाम हालांकि बहुत सारे इनके मतलब आप यूँ कह सकते हैं मौजूद है लेकिन ख़ास तौर से अगर बात की जाए तारीख़ इस्लाम था उसके बाद से पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है इसके मुताल सैयद सुलेमान नदवी की ख्यालत वाजी कीजिए यानी कि आप लोग को बताना है कि सैद स नदवी के मुताबिक सैद स नदवी के मुताबिक पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है तो चैप्टर तो आप लोग पढ़े हैं पता ही है कि सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी खाना है वो नाश्ता है क्योंकि रात भर आदमी खाली पेट रहता है और सुबह में उठकर ज़रूर कुछ खाना चाहिए तो नाश्ता जब हम लोग कर लेते हैं तो दिन भर की नैया पार लग जाती है ठीक है टेंशन ख़त्म हो जाता है दिन भर का तो इसी वजह से पेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना जो है वो सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक नाश्ता है हालाँकि अलग, अलग अलग लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है कोई बोलेगा कि रात का खाना सबसे ज़रूरी है कोई बोलेगा लंच का लेकिन सैद सलीमान नदवी के मुताबिक सबसे ज़रूरी खाना कौन सा है नाश्ता ठीक है बारह नंबर सवाल है कि नए और पुराने नुक नगाह से लफ्ज़ सुर्खी का जायजा लीजिए इसका जवाब क्या हो सकता है लफ्ज़ सुर्खी के बारे में आप लोगों को बताना है सुर्खी ये जो लफ्ज़ है ये पुराने ज़माने से नए ज़माने में आई किस तरह से मतलब इसका इजाद हुआ लफ्ज़ लफ्ज़ सुर्खी का इजाद किस तरह से हुआ ये आप लोग को बताना है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सुर्ख़ का मतलब होता है लाल कलर लाल कलर यानि कि पुराने ज़माने में लोग कुछ भी लिखा करते थे तो उसका टाइटल सुर्ख कलर यानि कि लाल कलर से दे दिया करते थे ठीक है और फिर जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया अब टाइटल को ही सुर्खी कहा जाने लगा धीरे धीरे अब टाइपिंग भी होती है तो टाइटल को ही सुर्खी कहा जाता है तो इस तरह आप लिख सकते हैं ठीक है लिखिए मत क्योंकि मैं खुद आंसर तैयार की हूँ तो लिखने की ज़रूरत ही क्या है आप लोग खुद देख लीजिएगा तेरह नंबर सवाल है कि कुलिया से क्या मुराद है अरबी और हिंदुस्तानी ज़बानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका आंसर आप लोग बताइए कि आपको पता है अगर नहीं पता है तो भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ चौदह नंबर सवाल देखिए इनशाया निगार को दौरान तखलीक कैसी आज़ादी मैसर होती है इन लिखने वाला जो होता है उसको कैसी आजादी मिली होती है यह आप लोग को बताना है पंद्रह नंबर सवाल है कि इंशाइया में तकमील ऐब है या हुनर यानी कि इंशाइया अधुरापन जो होता है वो उसका ऐब है या फिर हुनर है तो ये आप लोग खुद से बताइए अभी आप लोग को खुद से आंसर देना है ठीक है सोलह नंबर सवाल है कि इंशाइया और मजमून में क्या फ़र्क है ये आप लोग को बताना है इंशाइया और मजमून मजमून आप लोग जानते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लिखकर बता देना मजमून कहलाता है और जबकि मजमून की एक किस्म है इशाया इन में खुशगवार ताजगी अदम तकमील वगैरह वगैरह होता है तो वो भी मैं आप लोगों को आंसर तो लिखा हुआ है लड़ी लेकिन यहाँ पर आप लोग को अपने हिसाब से बताना है अपने मन से आंसर दीजिए सत्रह तो नंबर सवाल है कि इन्शाया का खाली किस शख्स की तरह होता है जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर जो मैं अभी कराऊंगी आप लोग देख लीजिएगा कोई दिक्कत ही नहीं है सत्रह नंबर सवाल क्या है एंट्रिया का खाली किस शख्स की तरह होता है ये भी आप लोग खुद से ही बताएं अठारह नंबर सवाल वह मरकजी नुकता क्या है जिस पर इंशाइया नगार हर बार लौटता है यानी कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पर इंसाइया नगार हर बार लौटता है तो वो आप लोग को पता है ना उनवान है टाइटल टाइटल को छोड़ कर इन्शाया नगार कहीं पर भी जा सकता है किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकता है लेकिन वापस वापस उसको अपने उनवान यानी कि टाइटल पर ही लौटना पड़ता है जैसे कि मुझे मार्कर के बारे में लिखना है मज़मून इनशाया मैं लिख रही हूँ मार्कर के बारे में मतलब मार्कर के ऊपर मैं इंशाया लिख रही हूँ तो मार्कर इस टॉपिक को छोड़कर इस टॉपिक को छोड़कर मैं किसी और चीज़ के बारे में भी बात कर सकती हूँ पंखा लाइट या फिर घोड़े बकरी भैंस किसी भी चीज़ किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकती हूँ लेकिन अंत में मुझे इसी मार्कर के टॉपिक यानी कि उनवान पर ही लौटना पड़ेगा ठीक है तो ये है नुक़ँ मरकज़ी नुकता ठीक है उन्नीस नंबर सवाल है कि हिजरत इस्तेकाम की अलामत है कैसे खाना बदोश के काफ़िले किस तरह सफर करते हैं मुख्तर बयान कीजिए खाना बदोश यानि कि जो बनजारों है बनजारे हैं उनके काफ़िले किस तरह सफर करते हैं साइबेरिया की मुरगाविया मौसम में सुरमा में हिजरत क्यों करती हैं खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे तीसरा सवाल है कि सलेमानी सुरमी सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी चौबीस नंबर सवाल है कि मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरे देता है पच्चीस नंबर सवाल है कि मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी छब्बीस नंबर सवाल है कि फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा सत्ताईस नंबर सवाल है कि मलिक सादिक ने शहजादे को किस बात की ताक़द की ये हर एक क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रही हूँ और आप लोग खुद से आंसर बताइए अभी मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी जैसा कि मैं बोल ही रही हूँ लेकिन आप लोगों को अपने हिसाब से आंसर देना है अपने मन से ताकि आप लोग की भी अपनी प्रिपरेशन की जांच हो जाए कि हाँ आप लोग कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं अपने हिसाब से कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं और कमेंट में भी आप लोग लिख कर बताइएगा कि हाँ इतने क्वेश्चन का आंसर मैं खुद से दे पाया हूँ या फिर दे पाई हूँ ठीक है अट्ठाईस नंबर सवाल है कि सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ें ख़रीदी और उनतीस नंबर सवाल है कि टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों के आने से पहले किस तरह तैयार होता टोबा टेक सिंह के जो रिश्तेदार थे वो मिलने के लिए आते थे तो इसको दिन तारीख का उतना नॉलेज भी नहीं रहता था लेकिन पता नहीं इसको किस तरह एहसास हो जाता था कि अब मेरे रिश्तेदार मिलने वाले हैं तो जब इसके रिश्तेदार मिलने के लिए आते थे तो ये किस तरह से तैयार होता था ये आप लोग को बताना है तीस नंबर सवाल है कि अपने आप को खुदा कहने वाला पागल अपने आप को खुदा कहने वाले पागल से टोबा टेक्सिंग ने टोबा टेक्सिंग क्यों नाराज़ हो गया जो अपने आप को खुदा कहता था जो पागल अपने आप को खुदा कहता था उससे टोबा टेक्सिंग नाराज़ क्यों हो गया था ये पूरी कहानी तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ देखिए अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है उस प्ले का भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ यहाँ तक कि उर्दू ग्रामर के प्ले का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप लोग जिस भी प्ले का लिंक ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढने की जरूरत नहीं है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है हर एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है तो यहाँ पर तीस क्वेश्चन हो गया अब चलिए मैं बोर्ड मिटाती हूँ और भी जो बचा हुआ क्वेश्चन है अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और दस पंद्रह होगा तो वो मैं लिख देती हूँ और उसके बाद से कम्प्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर वन से लेकर दस चैप्टर तक का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर हम लोग अगले वीडियो में ग्यारह से लेकर बीस चैप्टर तक का करेंगे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट आई होप ले ही लिए होंगे तो मैं बोर्ड मिटाती हूँ और अगला क्वेश्चन लिखती हूँ तो फिर से मैं लिख दी हूँ बोर्ड पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब मात्र लास्ट 45 क्वेश्चन मतलब एक से लेकर दस चैप्टर तक टोटल 45 भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और टोटल मैं 45 का 45 लिख दी बोर्ड पर चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं और आप लोग खुद से आंसर देख लीजिए आप लोग दे पा रहे हैं कि नहीं जिस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो ठीक और नहीं दे पा रहे हैं तो कोई तो भी कोई मतलब दिक्कत नहीं है मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सभी सवालों का जवाब मैं अभी कराने वाली हूँ चलिए फटाफट सवाल देख लेते हैं थर्टी वन नंबर क्वेश्चन है कि पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया था जितने भी पागल थे पागलों का तबादला करना था तो कौन तबादला के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया था पूरा कहानी तो मैं आप लोग को पढ़ाई ही हूँ जानते ही हैं आप लोग आसानी से बता सकते हैं सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है बस सोचिए मन में ही आंसर सोचिए बाकी आंसर तो मैं खुद करवाऊंगी ना बत्तीस नंबर सवाल है कि पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू कर दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर तकरीर करना शुरू कर दिया था वो पागल जो कि पेड़ पर चढ़ गया था ठीक है झाड़ू मारते मारते इतना पागल हो गया कि पेड़ पर चढ़कर तकरीर करना शुरू कर दिया तो आप लोग लिख सकते हैं अठातीस तैंतीस नंबर सवाल है थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन कि के चारों बेटों के नाम और उनके काम बताइए अम्मो जो थी उनके चारों बेटों का नाम लिखना है और उनके काम को भी बताना है कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं और कौन कौन सा काम करते हैं ठीक है थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन कि अम्मो दुखी क्यों थी पैंतीस नंबर सवाल है कि अम्मो के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया छत्तीस नंबर सवाल कि डायरेक्टर जनरल जनरल डायरेक्टर जनरल जो सैयद अजीज़ अहमद थे वो लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए लोग डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद को क्यों भूल गए थे पूरी कहानी तो आप लोग जानते ही हैं हर एक चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जा चुका है अगर आप लोग पढ़े हैं तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए हलवा लग रहा होगा बताइए लग रहा होगा कि नहीं कमेंट में एक बार लिख कर ज़रूर बताइएगा ठीक है थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है कि आप डायरे आप डायरेक्टरी की लाश कब तक अपने कांधों पर लिए फिरेंगे यह बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से क्यों कही सैयद अजीज अहमद की जो बीवी रहती है वो सैयद अजीज अहमद से कहती है कि आप डायरेक्टरी की लाश कब तक अपने कांधों पर लिए फिरेंगे तो ये क्यों कहती हैं ये आप लोग को बताना है ठीक है थर्टी एट नंबर क्वेश्चन है कि आप बहुत काबिल बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए असल बात यह है कि आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ या बेटे ने बात कही थी तो क्यों कही थी सैयद अजीज अहमद से यानी कि सैयद अजीज अहमद जो थे ना वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे रिश्वत वगैरह नहीं लेते थे और उसके बाद से इनका रिटायरमेंट भी हो गया था ये रिटायर कर गए थे तो फिर पैसे नहीं आ रहे थे घर का खर्चा मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी तो इसी चीज़ को देखते हुए बेटा जो है ना सैयद तो अजीज़ अहमद से कहता है कि आपको क्या फ़ायदा हुआ आपकी ईमानदारी का हमको क्या फ़ायदा हुआ आप बहुत बड़े ईमानदार बनने चले थे कुछ फ़ायदा हुआ बाप का मतलब होता है बेटों के लिए पैसे कमा कर ला कर देना अगर आप हम हम लोगों को पैसा हमारे लिए पैसा नहीं कमा रहे हैं अपने बेटों और अपने परिवार के लिए पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपको इस परिवार में होने से कोई फ़ायदा सोचिए इस तरह का बात जो है ना बेटा अपने बाप से कह देता है और ये सुनकर सैद अज़ीज़ अहमद को बहुत दुख लगता है बहुत तकलीफ़ लगता है वो खाने के टेबल पर बैठे रहते हैं उठ और बाहर चले आते हैं पूरी कहानी तो आप लोगों को बता पता ही है आप लोग आराम से लिख लीजिएगा आगे बढ़ते हैं थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है कि पागल खाने के वे लोग जिनका जहनी तोन बिल्कुल दुरुस्त था किस परेशानी में गिरफ्त थे यानी कि पागल खाने में कुछ ऐसे भी लोग थे जो पागल नहीं थे बल्कि वो एक क्रिमिनल थे लेकिन उनके परिवार वाले फांसी की सज़ा से बचाने के लिए वकील को घूस वगैरह देकर पागल खाने में डलवा दिए थे तो वो लोग मतलब अच्छे से सोच सकते थे चीज़ों को समझ सकते थे तो वो किस परेशानी में गिरफ्त थे मतलब उनको किस चीज़ की परेशानी थी ये आप लोगों को बताना है तो उनको इसी चीज़ की परेशानी थी कि उनको तो ये तो पता था कि हाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है और पाकिस्तान बन गया है लेकिन इनकी परेशानी ये थी कि आखिर पाकिस्तान है तो है कहाँ क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान में है या फिर मतलब अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान में है तो फिर अभी हम लोग हैं तो फिर कहाँ हैं हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है इस तरह की परेशानी में वो सभी पागल गिरफ्त थे चालीस नंबर सवाल की शहजादे फ़कीर की बेटी को देखकर बेहोश क्यों हो गया था तो शहजादा जो था वो फ़कीर की बेटी को देखकर बेहोश इसलिए हो गया कि फ़कीर की बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी खुशनो जमाल कूट कूट कर भरे हुए थे फ़कीर की बेटी में इस वजह से उसकी खूबसूरती को देखकर और प्लस बहुत सात सालों से ढूंढ रहा था तो सात सालों के बाद इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद मिली थी तो इस वजह से बेहोश हो गया फोर्टी नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था आप लोग जानते हैं अब्दुल रब जो कि हेड थे स्कूल के हेड मास्टर धोरन गाँव का कहानी बताया गया है ना इब्राहिम चक्का नाम के अफसाने में तो धोरन गांव का जो स्कूल रहता है उस स्कूल के रहते हैं अब्दुल रब और उसी गांव यानी कि धोरन गांव का सरपंच का बेटा रहता है अब्दुल्ला भैंसा तो हेडमास्टर रहते हैं अब्दुल रब और सरपंच का लड़का रहता है अब्दुल्ला भैंसा ठीक है बयालीस नंबर सवाल है कि अफसाना इब्राहिम चक्का के ख़ाल कौन है और यह किस मजमूे से उखस किया गया है अफसाना इब्राहिम चक्का के खालि यानी कि लिखने वाले कौन हैं तो वो कौन है सलाम बिन रज़ाक हैं और इसको किस मजमू से लिया गया है यानी कि किस किताब से इस कहानी को उठाया गया है तो आप लोग जानते हैं शिकस्ता भूतों के दरमियान पूरी कहानी आप लोग को पढ़ाया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन कि अफसाना भूले बिसरे गीत की तलखीज़ पेश कीजिए यानी कि ये जो कहानी है भूले बिसरे गीत इस कहानी का ओवरव्यू करना है पूरी कहानी में क्या क्या बताया गया है और इस कहानी के ज़रिए लोगों को क्या सिखाने की कोशिश की गई है क्या बताने की कोशिश की गई है ये हर एक चीज़ आप लोग को लिखकर बता देना है मतलब ये पूरी कहानी का ओवरव्यू कर देना है ठीक है चवालीस नंबर क्वेश्चन की प्रॉमिस अफसाने का खुलासा या तलखीश पेश कीजिए यानी की कि उसी तरह प्रॉमिस नाम का ये जो अफ़साना है ये कहानी इसका भी ओवरव्यू करना है कि आखिर इस कहानी में क्या बताया गया है ठीक है कहानी किस तरह से है और इस कहानी के ज़रिए लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई है ये प्रॉमिस नाम के अफसाने का खुलासा कर दीजिए ये पाँच पाँच नंबर का पूछा जाता है अब ये आखिरी सवाल है पैंतालीस नंबर सवाल कि अफसाना इब्राहिम सक्का की पेश नज़र सलाम बिन रजाक की जज्बात निगारी पर रोशनी डालिए यहाँ पर आप लोगों को सलाम बिन रजाक की जज्बात निगारी पर रोशनी डालना है अफसाना इब्राहिम सक्का की पेश नज़र में अफसाना ये जो कहानी है इब्राहिम का खैर मैं आप लोग को पढ़ाई भी हूँ और आप लोग जानते भी होंगे बहुत ही ज़बरदस्त ये कहानी है मतलब फ़ीलिंग्स भावना जज्बात इसमें तो कूट कूट कर भरा हुआ है इमोशनल कर देने वाली ये कहानी है तो इस कहानी के ज़रिए ही क्योंकि राइटर सलाम बिन रजाक है तो सलाम बिन रजाक की जज्बा निगारी पर रोशनी डालना है मतलब कि ये अपनी फीलिंग्स अपनी जज्बात को बिल्कुल हु बहू कहानी में भी ढाल देते हैं तो बस इसी इसी कला पर आप लोगों को रोशनी डालना है इसी कला के बारे में बताना है जज्बात निगारी यानी कि जज्बात को अच्छे तरीके से अपनी कहानी में ढालने की जो कला है ना उस पर रोशनी डालना है तो इसी चीज़ के बारे में यानी कि सलाम बिन रजाक की जज्बात निगारी पर रोशनी डालना है उनके बारे में बताना है तो ये लास्ट क्वेश्चन था पैंतालीस नंबर सवाल अब चलिए हम लोग डेस्कटॉप पर चलते हैं और हर एक क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर वन से लेकर ये फोटी फाइव नंबर तक जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को पढ़कर बताई ये हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को लिखा हुआ देती हूँ मतलब लफ्ज़ों को सजा कर लिखा गया तैयार किया हुआ आंसर है जिससे आंसर को देख कर आप लोग को ये आइडिया मिलेगा आप लोग सीखेंगे कि आप लोग को फाइनल एग्ज़ाम में किस तरह से लफ्ज़ों को सजा आंसर लिखना है तो आई होप आप लोग रेडी होंगे तो चलिए और उसके उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए उस वक्त से मैं खड़ी हुई हूँ और अभी हम लोग डेस्कटॉप पर जाने वाले मेहनत तो हो ही रहा है तो इस मेहनत के लिए लाइक तो बनता है फटाफट लाइक कर दे और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो डू स्टार्ट तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास ट्वेल्थ उर्दू मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ एंसर एंसर आप लोग को देखना है कि किस तरह से लिखा गया है लफ्ज़ों को सजा कर और सीखना है कि हाँ हम भी अगर एग्ज़ाम में बैठ कर लिखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से लफ्ज़ों को सजा कर लिखेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या था सबसे पहला सवाल था कि फ़रतुल्लाह बेग और मियाँानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे ठीक है और इसका एंसर तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ ऑलरेडी बोर्ड पर लेकिन यहाँ पर समझिए लफ्ज़ों को सजा कर आप लोग को किस तरह से लिखना है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी यहाँ पर भी लिखा गया है बेग रहेगा थोड़ा सा अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पर भी नहीं रहेगा बेग रहेगा फरतुल्ला बेग ठीक है थोड़ी बहुत उर्दू टाइपिंग में मिस्टेक होती रहती है तो उसको नज़रअंदाज़ करना है तो फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ ये नज़ीर भी गलत टाइप हुआ है जाल से रहेगा नज़ीर ठीक है फरतुल्ला बेग और दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ यानि कि मौलवी साहब के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे वही बात जो कि मैं आप लोग को बोर्ड पर आंसर बताई बस वही उसी चीज़ को यहाँ पर लफ्ज़ों को सजा कर लिख दिया गया है और इसमें थोड़ी थोड़ा सा ये भी ऐड कर दिया गया है कि उस जमाने में मदरसा और कॉलेज का आज की तरह बा इंतज़ाम नहीं था थोड़ा लंबा बनाने के लिए ऐड करना होता है क्योंकि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि दो नंबर का हो तीन नंबर का हो या पाँच नंबर का हो अगर पाँच नंबर का है तो इतना से काम नहीं चलेगा थोड़ा सा और लंबा करके लिखना पड़ेगा लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हमेशा दो तीन नंबर का ही पूछा जाता है ठीक है तो ये थोड़ा सा लंबा बनाने के लिए इसमें यह भी ऐड कर दिया गया है कि उस जमाने में मदरसा और कॉलेज का आज की तरह बात इंतज़ाम नहीं था और अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं था दूसरी बात यह है कि उस जमाने में यह रिवायत थी कि अमूमन तलबा यानी कि स्टूडेंट उस्ताद यानी कि टीचर के घर पर खसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे जी हाँ ये उस वक्त की बात है जब मदरसा और कॉलेज आज की तरह आम नहीं था मतलब मदरसा और कॉलेज जो है ना अभी के ज़माने में जिस तरह इंतज़ाम हुआ है उस तरह इंतज़ाम नहीं था और पहले ये भी रिवायत थी कि जितने भी स्टूडेंट थे वो उस्ताद यानी कि टीचर के घर पर जाकर ही तालीम हासिल करते थे तो ये सारी बात आप लोग को लिख देनी है आगे बढ़ते हैं तो। दूसरा सवाल था कि किस अरबी शायर से मुतल सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रजा की छुट्टी हो गई तो मैं आप लोग को आंसर भी बताई मुतनबी थे तो बस यही आंसर जो है ना लफ्ज़ों को सजा कर लिख दिया गया है अरबी ज़बान के मशहूर शायर मुतनबी के कलाम को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई हुआ यूँ यहाँ पर हुआ यूँ रहेगा वायु गलती से टाइप हो गया है हुआ यूँ रहेगा हुआ यूँ कि मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग के साथ मियाँ रज़ा भी डिप्टी नज़ीर अहमद यानी कि मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे एक दिन मियाँ रज़ा दीवान मतनबी पढ़ रहे थे एशार में अराब ना होने की वजह से मियाँ रज़ा एशार को गलत पढ़ गए और इस पर मौलवी साहब गु़स्सा होकर मियाँ रज़ा को दर्स से ख़ारिज कर दिया यानी कि अपने ट्यूशन से निकाल दिया यहाँ पर गलती से दर्द लिख टाइप हो गया है दर्स रहेगा दर्स ठीक है यानी कि अपने ट्यूशन से निकाल दिए हो गया आंसर आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल देखिए तीसरा सवाल है कि फरतुल्ला बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे तो आंसर में लफ्ज़ों को सजा कर लिखा गया है आप लोग लफ्ज़ों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा और ये ज़रूर सीखिएगा आइडिया लीजिएगा कि हाँ हमको भी इसी तरह के से लफ्ज़ों को सजा कर लिखना है ठीक है देखिए लिखा गया है आंसर में कि फ़रातुल्ला बेग की सरफोनाओ तो कमज़ोर थी ही जिसके वजह से नजीर अहमद के यहाँ तदरीस के दौरान वह शेर खवानी में अराब की गलतियाँ बहुत किया करते थे वैसे भी नज़म पढ़ने में फरतुल्ला बेग को बहुत दुशारी होती थी अगर आप लोग को ये टफ़ लग रहा है तो आप लोग इस तरह आंसर मत लिखें आप लोग को अभी मैं ज़बान से बोल दे रही हूँ उस तरह आंसर लिख लें क्वेश्चन क्या है कि फ़रतुल्ला बेगर शेर ख़वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे तो आप लोग सिम्पली इस तरह से लिख सकते हैं कि फ़रतुल्ला बेग शेर ख़वानी में अरब की गलतियाँ किया करते थे और वैसे भी नज्म पढ़ने में फरतुल्ला बेग को बहुत दुश्वारी होती थी अभी मैं जिस तरह बोली बस इसी चीज़ को आप लोग आंसर में लिख लीजिए अगर आप इतना अगर आप लोग को ये टफ़ लग रहा है तो वैसे तो ये टफ है नहीं सरफ न कमज़ोर थी ठीक है मिर्जा फ़रतुल्ला बेग की जिसकी वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ तदरीस के दौरान वह शेरखानी में अर की गलती यानी कि ज़बर जेर पेश वगैरह की गलती बहुत करते थे क्वेश्चन नंबर फोर देखिए मियाँ दानी जो हैं वो शेरखानी में कैसी ग़लती किया करते थे मियादानी शेर खानी में ऐराब की गलती तो नहीं करते थे लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज़ में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता कि मियादानी शेर के बजाय नसर पढ़ रहे हैं यानी कि शेर को नसर की तरफ़ पढ़ दिया करते थे मियादानी ये इनसे गलती होती थी ये मैं आप लोगों को बताई ही आगे बढ़ते हैं पाँच नंबर सवाल क्या था कि मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था तो देखिए कितने अच्छे तरीके से लफ्ज़ों को सजा कर यहाँ पढ़ लिखा गया है आप लोग लफ्ज़ों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा लफ्ज़ों को सजा कर लिखने का जो तरीका है ना इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा इसका आइडिया लीजिएगा कि हाँ आप लोगों को किस तरह से लिखना है बिल्कुल इसी तरीके से लफ्ज़ों को सजा कर लिखना है यहाँ पर आंसर में लिखा गया है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका यह था कि वह पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़वाते और सुनते थे अगर बच्चा सही पढ़ देता तो ठीक वरना ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दर्द से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही वह इबारत की तशरी पढ़ाते थे तो ये था मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका और इसमें आप लोग ये भी ऐड कर सकते हैं कि मौलवी साहब खुद जो चौकी होता है आप ये कह सकते हैं खाट बोला जाता है चौकी पर बैठते थे और अपने शागिदों को भी चौकी पर बैठा पढ़ाते थे उनका यह तरीका था पढ़ाने का आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगला सवाल कैराक फेलर कौन था और वह दौलतमंद कैसे बना आंसर देखिए लिखा हुआ है रॉक फेलर अमेरिका का एक ताजिर था वह मिट्टी के तेल की तजारत करता था उसने इब्तदा में बहुत मामूली सरमाए से तेल की तजारत की शुरुआत की और रफ़्तर रफ्तार तरक्की करके बहुत दौलत कमाया और एक वक्त ऐसा भी आया कि उसका शुमार दुनिया के चंद अहम और बड़े सरमाएारों में होने लगा यानी कि एक वक्त ऐसा आया कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया सिर्फ मिट्टी के तेल की तजारत करने की वजह से तो इस तरह से आप लोगों को आंसर लिख देना है आप चाहे तो अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं ठीक है सातवां सवाल है कि मिट्टी का तेल इंसान का शरीर के गम कैसे है मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम इस तरह है कि वह आवाम के हर तबके की मदद और रहनुमाई करता है जैसे वह गरीब तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है इसी तेल की रोशनी चोर को चोरी करने में मदद करती है और चोर को पकड़ने में पुलिस की भी मदद करती है जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई गम ख्वार नहीं रहता तो मिट्टी का तेल ही अपने वजूद को जलाकर इंसान का शर्क गम हो जाता है और इसलिए मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम है तो इस तरह देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर लफ्जों को सजा कर लिखा गया है तो आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से लिखना है ठीक है अगर आप लोग इससे बेहतर लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ज़रूर लिखें आठवां सवाल है कि मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर क्यों तरस तो आता है तो मिट्टी की बेचारगी और ज़िलत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में चार बुनियादी अनासर पैदा किए हैं आग हवा पानी और मिट्टी इन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी ही है जो तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रौंदी जाती है पानी के मौज के साथ बह जाती है हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है आग की तमाजत और गर्मी के साथ जल जाती है मगर फिर भी उफ न, तक नहीं करती है इसलिए मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर हमें तरस आता है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है कि मिट्टी की तह में कौन कौन से ख़जाने कुदरत ने छुपा रखे हैं तो मिट्टी की तह में यहाँ पर भी गलत टाइपिंग हो गया है तो जहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है वहाँ पर आप लोग ज़रा नज़रअंदाज कीजिएगा क्योंकि उर्दू टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक तो होती ही रहती है तो यहाँ पर लिखा गया है कि मिट्टी की तह में कुदरत में कुदरत में नहीं ने मिट्टी की तह में कुदरत ने ऐसे ऐसे नायाब खजाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं इन खजानों को मिलाकर कर एक मिनट कम नहीं रहेगा इन खजानों को काम में ला यहाँ पर रहेगा काम इंसान जो है इन खजानों को काम में इंसान एक मजहबी आदमी कहलाता है सोना चांदी, हीरे, मोती और जेवरात वगैरह मिट्टी के अंदर ही होते हैं खैर और चीज़ों को तो छोड़िए मिट्टी के बाज टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना और बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं यह दूसरे तमाम कुदरती खजानों से ज़्यादा मुफीद है तो यहाँ पर इस तरह से आंसर हो गया आगे बढ़ते हैं दस नंबर सवाल क्या था कि सैयद सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान क्या था तो सैयद सुलेमान नदवी एक गैर मामूली जहन के मालिक थे अरबी अदब अरबी अदब इस्लामियात तारीख़ सवाना अदवियात यह सब ही सैद स नदवी के पढ़ने का पढ़ने लिखने का ख़ास मैदान था ये सभी जो है ना सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का खास मैदान है ख़ुद आप लोगों के बुक में भी लिखा गया है तो आप लोग को इसी तरह से आंसर लिख देना है आगे बढ़ते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है इसके मुतालिक सुलेमान नदवी की ख्याल वाज कीजिए तो पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है इस सिलसिले में मुख्त लोगों का जवाब मुख्तल हो सकता है इसलिए सभी के तजुर्बात खाने के सिलसिले में यकसा नहीं होते हैं जहाँ तक सैद सलमान नदवी की बात है तो इस सिलसिले में उनका ख़याल यह है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इतमान हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लफ्ज़ों को सजा कर लिखा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं बारह नंबर सवाल कि नए और पुराने नुतः नगह से लफ्ज़ सुरखी का जायजा लीजिए तो देखिए आंसर में लिखा गया है कि आजकल ज़बान में एक लफ्ज़ सुर्खी राइज है जो मजमून की सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है सुर्खी लफ्ज़ सुर्ख़ का सिफत है और सुर्ख के मानी लाल रंग का होता है पहले ज़माने में मजामी लिखने के दौरान मजामी के वान को इम्तियाज़ पैदा करने के लिए सुर्ख रंग की स्याही से लिखते थे नए दौर में जब छापा खाना ईजाद हुआ तो रफ़्तर रफ्ता बाब या मजमून को सुर्खी कहने लगे यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है वह नहीं रहेगा भले ही आप उसको काले रंग की रोशनाई से क्यों ना लिखें मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नए दौर में जब छपाखाना का इजाद हुआ तो किताबें वगैरह प्रिंट किए जाने लगे तो उस वक्त भी जो टाइटल दिया जाता था ना तो उसको सुर्खी कहा जाने लगा अब भले ही वो काले रंग से ही क्यों ना टाइटल दिया गया हो लेकिन वो सुर्खी के नाम से मशहूर हो गया तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं तेरह नंबर सवाल है कि कलिया से क्या मुराद है अरबी और हिंदुस्तानी ज़बानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं तो इस कुलिया को कलिया भी आप लोग पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और आंसर में दे देखिए दे क्या लिखा गया है हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में कुलिया कर्मा आम खाना और रोजमर्रा के इस्तेमाल में है कुलिया की बाहिर शक्ल में तो अरबी है कलिया की बाहिर शक्ल तो अरबी है लेकिन इसका मानी अरबी नहीं है अरबी में इसकी शक्ल कुलिया हो सकती है जो कली से बना है कली फेल है जिसके मानी भुनना है इस तरह भुने हुए गोश्त को क्या कहते हैं कलिया कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोटी कि निगार नगार को दौरान तख्लीक़ कैसी आज़ादी मयसर होती है यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इशाइया लिखने वाला जो इन नगार है उसको इशाया लिखने के दौरान कैसी आज़ादी मिली रहती है अब बस इसी का आंसर देखिए क्या लिखा गया है इन्शा नगार का फ़न इशाया निगारी सॉरी निगारी का फ़न तंज व मजाक के दरमियान का रास्ता है इन्शा निगार हमेशा सतह ज़मीन पर चलता है लेकिन उसको इस कदर आज़ादी हासिल होती है कि वह इन्शाया लिखने के दौरान कभी फ़राज की तरफ उठता है तो कभी नशीब की तरफ झुकता है लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होता है इशाया निगार थोड़ी देर के लिए फ़राज की तरफ भी जाता है और नसीब की तरफ भी ज़रूर जाता है फिर अपने फिर फ़ौर अपने मकसद की तरफ लौट जाता है यानी कि इन्शा नगार को ऐसी आज़ादी मिली होती है कि वो जिस टॉपिक के बारे में लिख रहा है ना उस टॉपिक को छोड़कर आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है लेकिन ये वक्ती तौर पर होता है यानी कि एक वक्त ऐसा आता है कि चाहे वो आगे गया हो या फिर पीछे गया हो उसको वापस एक समय पर अपने उसी टॉपिक पर लौट कर आना होता है जिस टॉपिक पर वो इंसाइया लिख रहा है तो ये चीज़ें ये आज़ादी मिली रहती है इनषा नगार को ठीक है पंद्रह नंबर सवाल है कि इनशाया में अदम तकमील ऐब है या हुनर वाज़ा कीजिए तो इनशा नगार में इशाइया में जो है ना अदम तकमील वो हुनर है तो अदम तकमील इशाइया में एक हुनर है बल्कि इशाया की एक इम्तियाजी खसूसियत है यानी कि विशेषता है इन्शाइया में मौजू की मरकजियत तो क़ायम रहती है लेकिन इस मरकजियत का सहारा लेकर इन्शा नगार बहुत सी ऐसे बातें भी कह देता है जिनका मौजू से कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं होता है इनशाया नगार का मकसद सिर्फ़ इतना रहता है कि आपको गौर करें एक मिनट रुक जाए इशाइया नगार का मकसद सिर्फ़ इतना रहता है कि आपको गौर करने पर मजबूर कर दें मजबूर कर दे ताकि आप इन में बिखरे हुए बहुत से इशारात पर गौर फरमाएं यानि कि इन निगार जो होता है ना वो आपको मजबूर कर देता है कि आप सोचें कि आगे क्या हुआ है यानि कि अदम तकमील अधूरापन जो है ना इन की खूबी है हुनर है अधूरा इसलिए इन को छोड़ा जाता है ताकि जो पढ़ने वाला है वो खुद अनुमान लगा सके कि आगे क्या क्या हुआ होगा तो ये एक खूसियत है यानी कि विशेषता है हुनर है आगे बढ़ते हैं सोलह नंबर सवाल कि इशाइया और मजमून में क्या फ़र्क है तो इशाइया और मजमून में बुनियादी फ़र्क़ क्या है सॉरी क्या है यहाँ पर टाइप हो गया है यह है कि होना चाहिए इनशाया और मजमू में बुनियादी फ़र्क यह है कि आम तौर से नसरी यहाँ पर नसरी ये वाला रहेगा नसरी ठीक है नसरी अदब में पेश किए जाने वाले तमाम बातों को मजमून के जुमले में रखा जाता है जबकि इन्शाइया मज़मून की ही एक किस्म है इशाइया जो है ना मजमून का ही एक टाइप है यानी किस्म है जिसमें अदम तकमील इकतसार जद्दत तराजी और खुशगवार ताज़गी लाजमी अंसुर है ठीक है यानी कि थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में मजमून जो जिस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लिख दी जाए उसको कहते हैं मजमू लेकिन मजमून का ही एक कस्म होता है इन ठीक है लेकिन इशाइया को पूरी तरीके से आप मजमून नहीं कह सकते हैं ठीक है इसाइया में अदम तकमील यानी कि अधूरापन होता है इक्तसार होता है यानी कि ज़्यादा लंबा भी इशाया को नहीं लिखा जाता है ये सारी क्वालिटी होती है इशाइया की जबकि मजमून जो होता है वो किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी इसमें लिखा जाता है अगला सवाल कि इंशाइया का खालि कि किस शख़्स की तरह होता है जवाब में लिखा हुआ है कि इशाया के खालिक की मिसाल एक गैर मुल्की सयाह की तरह है जिस तरह एक सयाह को नए मुल्क की बहुत सी ऐसी बातें फौरन मालूम हो जाती है जो अहल वतन की नज़रों से ओजल रहती है बिल्कुल उसी तरह एक इन लिखने वाला जिंदगी के उन ताज़ा पहलुओं को फ़ौर देख लेता है जो ज़िंदगी में सतही दिलचस्पी के बास एक आम इंसान की नज़र से औजल रहता है तो इस तरह आप लोग आंसर लिख सकते हैं बाहर से थोड़ी सी नॉइजिंग आ रही होगी जरा आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा अट्ठारह नंबर क्वेश्चन है कि वह हम वह मरकजी यहाँ पर हम नहीं रहेगा वह मरकजी नुकता क्या है जिस पर इन्शा नगार हर बार लौटता है तो वान ही वह वा मरकजी नुकता है जिस पर इन्शा नगार हर बार लौटता है अपनी मरकज़ी नुकते से लम्हे भर के लिए ऊपर और नीचे भी जाता है ताहम वो हर बार अपने मरकजी नुकते की तरफ ज़रूर लौटता है यानि कि टॉपिक को छोड़कर आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है लेकिन वापस उसे अपने मरकज़ी नुकते यानि कि अपने टॉपिक की तरफ ही लौटना पड़ता है उन्नीस नंबर सवाल देखिए हिजरत इस्तेकाम की अलामत है कैसे तो हिजरत इस्तेकाम की अमामत इस तरह है कि हिजरत करने से आदमी तरह तरह के मुशाहदे और तजर्बात से दो चार होता है इस तरह महाजिर की फ़िक्र में इस्तेकाम पैदा होता है हिजरत एक ऐसा फ़र्ज़ है जिससे आज नहीं तो कल सबको अदा करना है जो लोग अगर दुनिया में हिजरत के फ़रज़ की अदायगी से किसी न किसी तरह झुक जाते हैं चुक जाते हैं यहाँ पर झुक नहीं रहेगा चुक जाते हैं फिर भी वह आखिरी हिजरत यानी मौत से नहीं बच पाते हैं यानी कि माइग्रेशन मैं आप लोगों को पढ़ाई भी हूँ बीस नंबर सवाल है कि खाना बदोशों के काफिले किस तरह सफर करते हैं मुख्तसरन बयान कीजिए यानी की कि खाना बदोशों बंजारों के काफिले जो है वो किस तरह सफर करते हैं शॉर्ट में आप लोगों को बताना है आंसर में लिखा हुआ है कि खाना बदोशों के काफिले के सफ़र की मंजरकशी अहमद जमाल पाशा ने कुछ इस तरह से किया है कि बंजारों का काफ़िला में सफर है उनके खेमे और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान खच्चरों पर लदे हुए हैं किसी पर मासूम बच्चे खुशी से उछल कूद रहे थे तो किसी गधे पर बिल्लियों के सामने पिंजड़ों में दुबका हुआ तोता बैठा हुआ था आगे आगे बंजारों का शार सीना फैलाए बड़े शान से चलता है और हर तरफ आंखें घुमा घुमा कर देखता जाता है हर एक के हाथ में कोई ना कोई सामान ज़रूर है किसी के हाथ में गाय की रस्सी तो किसी के हाथ में बकरी की डोरी का सिरा सिरा सबके पीछे सर झुकाए कुत्ते चल रहे हैं तो इस तरह जो है ना खाना बदोश के काफ़िले सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह एक नंबर सवाल है कि साइबेरिया की मुरगाविया मौसम सरमा में हिजरत क्यों करती हैं तो साइबेरिया की जो मुरगाबियाँ हैं जब ठंड का मौसम आता है तो वो हिजरत इसलिए करती हैं ताकि उत्तर की ठंडी हवाओं की वजह से उस इलाके में बर्फ़ जमने लगती हैं जो मुरगावियों के लिए ना, ना साबित होती हैं जब यह मौसम ख़त्म हो जाता है तो फिर वह अपने वतन साइबेरिया वापस लौट आती हैं और अपनी और अपने अपने घरों में आबाद हो जाती हैं बाईस नंबर सवाल है कि खाना बदोशों, खाना बदोश जो है वो ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे तो खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार इस तरह है कि उनका घर और ज़िंदगी का धंधा तो एक मासूम बच्चे के रेत के घर के मानंद है जिस तरह एक कुम्हार रोज़ाना अपने चाक से तरह तरह के बर्तन बनाता और तोड़ता रहता है किसी बर्तन की शक्ल ज़रा से बिगड़ी फ़ौरन उसे तोड़ डाला और नया बर्तन बना डाला उसी तरह खाना बदोश भी हैं यह तरह तरह के घर बनाते रहते हैं और ज़रा से भी कमी महसूस हुई कि उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर फिर से एक नया घर तैयार करते हैं ठीक है ना इसी वजह से कहा जाता है कि खाना बदोश का जो घर है वो खाना बदोश की ज़िंदगी जो है वो लगभग लगभग जो है कुम्हार से मिल मिलती है यानी कि जिसको गाँव देहात में कुम्हार भी कहा जाता है जो बर्तन वगैरह बनाते हैं तो खाना बदोश जो है ना वो अपने ज़िंदगी का कुम्हार है यानी कि अपने ज़िंदगी को खुद से बनाते हैं अपने घर को खुद से बनाते हैं जिस जगह पर चाहे उस जगह पर वो रह सकते हैं उनको जो जगह पसंद आता है उसी जगह पर अपना खेमा यानी कि टेंट डाल देते हैं और रहना शुरू कर देते हैं कुछ दिन रहते हैं उसके बाद फिर उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं हिजरत करते ही रहते हैं अगला सवाल है कि सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर ज़रा सुनिएगा आप लोग लिखा हुआ है कि सुलेमानी सुरमे की खूबी यह थी कि जब कोई आदमी इस सुरमे को अपनी आँखों में लगा लेता था तो उसको जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी यहाँ तक कि सुरमे लगाने वाला इंसान सुरमा लगाने वाला इंसान जिन्नातों से गुफ्तु भी कर सकता था यानी कि जिन्नातों से बातें भी कर सकता था तो ये थी सुरमा लगाने की खूबी सुलेमानी सुरमा जो भी लगा सक लगा लेता वो जिन्नातों की दुनिया को देख सकता था हो गया आंसर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है कि मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है तो मुबारक शहजादों शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए यह मशवरे देता है कि जिन्नातों के बादशाह तुम जिन्नातों के बादशाह जो है मलिक सादिक उसके पास तुम चलो तुम्हारे मरहूम वालिद के दोस्त हैं वो वह तुम्हारे बाप की दोस्ती को याद करके तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे और तेरा मुल्क तेरे हाथ में आ जाएगा इस तरह आंसर हो गया आगे बढ़ते हैं पच्चीस नंबर सवाल मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी थी तो मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए शर्त रखी थी और वह यह शर्त थी कि उसने एक लड़की की तस्वीर शहजादे को दी और कहा कि इस तस्वीर की लड़की को जहाँ से भी हो तलाश करके लाओ तब हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे देखिए तलाश भी लिखा गया ना तो ये भी गलत टाइप हो गया तलाक लिखा गया है तलाश रहेगा तलाश भी इस तरह से लिखा जाता है तलाश ठीक है तलाश मतलब वो जो मलिक सादिक है वो एक लड़की की तस्वीर देता है शहजादे को और कहता है कि लो तुम इस लड़की को ढूंढ कर लाओ जहाँ से भी हो सके जब तुम ये लड़की को ढूंढ कर लाओगे तभी जो है मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा तो ये शर्त रख देता है मलिक सादिक छब्बीस नंबर सवाल है कि फ़कीर ने अशरफ़ी लेकर शहजादे से क्या कहा तो फकीर ने अशरफ़ी लेकर शहजादे से कहा कि ए दाता खुदा तेरा भला करे शायद तू मुसाफिर है तो इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है किसी ने मुझे एक कौड़ी या एक लुकमा भी नहीं दिया इस तरह उस फ़कीर ने शहजादे को बहुत सी दुआएं दे डाली यहाँ पर शहजादे लिखना चाहिए तो देखिए किस तरह टाइप हुआ है से ज़्यादा इस तरह आप मैं क्या ही बताऊँ आप लोग ज़रा इसको इग्नोर कीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं सत्ताईस नंबर सवाल है और वैसे भी मैं बोल दे रही हूँ तो आप लोग समझ जाइए सत्ताईस नंबर सवाल है कि मलिक सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की थी देखिए बाहर से थोड़ी सी नॉइजिंग आ रही है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूंगी मलिक सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की थी यानी कि किस बात की धमकी दी थी मलिक सादिक शहजादे को तो मलिक सादिक ने शहजादे को इस बात की ताकीद की थी कि मेरे काम को नहायत होशियारी और ईमानदारी से करना क्योंकि क्योंकि तू अभी नौखेज़ लड़का है इसलिए तुझे बार बार ताकीद करता हूँ कि जज्बात में आकर कोई खयानत न करना वरना तू आफत में पड़ जाएगा और तुझे मेरी मदद के बजाय बहुत ही परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी तो इस बात की धमकी देता है मलिक सादिक शहजादे को अट्ठाईस नंबर सवाल देखिए सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ें ख़रीदी तो सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से इत्र वग़ैरह जो कुछ मालिक सादिक के यहाँ ले जाने के लिए मुनासिब हो मतलब मलिक सादिक के यहाँ ले जाने के लिए जो भी मुनासिब था वो सारा सामान जो है मुबारक ख़रीद लेता है बाजार से जाकर आगे बढ़ते हैं उनतीस नंबर सवाल कि टोबा टेक्सिंग अपनी मुलाकातियों के आने से पहले किस तरह तैयार होता था टोबा टेक्सिंग जो है टोबा टेक्सिंग से हर महीना जब उसके रिश्तेदार मिलने के लिए आते तो उसे पता चल जाता था चुनानचा वो अपने दफदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है उस दिन वह अच्छी तरह नहाता बदन पर खूब साबुन लगाता और सर में तेल डालकर कंघी करता और अपने ऐसे कपड़े जो कभी कभी इस्तेमाल करता हो उस दिन निकलवा कर पहन लेता और सच धज कर मिलने वालों के पास जाता और अगर लोग कुछ पूछते तो खामोश रहता या पंजाबी जुबान में कुछ बोल देता ठीक है ऊपर दी गुड़गुड़ -गुड दी एंगस दी बेधनिया दी मंग दी दाल दी लालटेन इसी तरह बोलता है ना तो वो मैं आप लोग को पढ़ाई भी हूँ कहानी आप लोग जानते भी हैं तीस नंबर सवाल देखिए अपने आप को खुदा कहने वाले पागल से टोबा टेक सिंह क्यों नाराज़ हो गया तो पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह देखिए यहाँ पर बिशन सिंह रहेगा बिशन सिंह बिशन सिंह को ही टोबा टेक सिंह कहा जाता था तो बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में तो उसने कहा कि टोबा टेक सिंह ना तो पाकिस्तान में है और ना ही हिंदुस्तान में इसलिए कि मैंने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया है बिशन सिंह कई बार कहा कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट ही खत्म हो जाए मगर वह ख़ुद बहुत मसरूफ़ था इसलिए तंग आकर बिशन सिंह यानी कि टोबा टेक्सिंग जो है ना वो नाराज़ हो गया उस पागल से जो अपने आप को खुदा कहता था तो ये हो गया आंसर आगे बढ़ते हैं इकतीस नंबर सवाल है कि पागलों की बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया गया तो पागलों के बाहमी तबादले के लिए जो फार्मूला अपनाया गया वो ये है कि जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें वापस हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए तो इस तरह से आप लोगों को आंसर लिख देना है यही फार्मूला अपनाया गया था तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू की थी तो पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में और भी ज़्यादा पागल हो गया और हर वक्त झाड़ू देने लगा और झाड़ू देते देते एक दिन एक दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त की टहनी पर बैठकर कर दो घंटे तक मुसलसल तकरीरें करता रहा और तकरीर का मौजू हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाजुक मसला था जी हाँ कौन से मसले पर वो तकरीर शुरू कर दिया था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर पेड़ पर चढ़े पागल ने तकरीर करना शुरू किया था आगे बढ़ते हैं तैंतीस नंबर सवाल कि अम्मो के चारों बेटों के नाम और उनके काम बताइए तो अम्मो के चारों बेटों के नाम ये रहे। पहले बेटे का नाम है खुर्शीद उसके बाद से रशीद उसके बाद से जमशेद और सबसे छोटा बेटा हमीद इनमें खुर्शीद शिकागो में डॉक्टर थे रशीद अमेरिका में इंजीनियर थे जमशेद भी न्यूयॉर्क में इंजीनियर थे और सबसे छोटा बेटा हमीद घर ही पर रहता था वो अपने माँ बाप के साथ रहता था पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था इसलिए सियासत का रुख किया यानि कि पॉलिटिक्स में जाने लगा ठीक है पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था और कुछ दिनों के लिए मरकजी हुकूमत में वो वज़ीर भी बन गया यानी कि मंत्री भी बन गया था वो आगे बढ़ते हैं थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन कि अम्मो दुखी क्यों थी उलझी सांसों के दर्द को थामे अम्मो दिल ही दिल में सोच रही थी सुनसान घर खाली कमरे सूना आंगन अंधेरे कमरे में अकेली लेटी वह दर्द से तड़प रही थी किसी दवा का कोई असर नहीं होता बदन का कोई हिस्सा काबू में न था कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती तो सारा बिस्तर भींग जाता अम्मो ने जायदाद बेचकर चारों बेटों को डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बना या और अच्छी डिग्रियां मिलते ही इन सब के पंख निकल आए और उन्होंने अमेरिका और शिकागो की तरफ परवाज़ ठानी और अम्मो दरअसल यही बात सोच कर दुखी थी कि उनके सारों उनके सारे बेटे ने उनका साथ छोड़ दिया ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि अम्मो के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं दिया यहाँ पर साथ रहेगा ठीक है साथ लिखा गया है साथ रहेगा साथ क्यों नहीं दिया तो आंसर में देखिए लिखा हुआ है अम्मों बिस्तर अलालत पर पड़ी हुई थी कैंसर उनके सारे बदन में फैल चुका था हिंदुस्तान में मुकम एक बेटे को छोड़कर अमेरिका और शिकागो में बसे उसके बाकी तीनों बेटे अम्मो के इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आए थे कि माँ के, के जनाजे को कंधे देंगे मगर माँ की यह ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी आखिरी बेटा हिंदुस्तान में रहते हुए भी सियासी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका माँ की मौत नहीं होने पर वही बेटे वापस लौट गए और इस तरह माँ की मौत में किसी बेटे ने साथ नहीं दिया मतलब माँ की अम्मो की मौत नहीं होती है क्योंकि तीनों बेटों को एक साथ देखती है बहुओं को एक साथ देती है पोते पोतियों को देखती है तो खुश हो जाती है और शायद यही खुशी होती है जो कि उसे धीरे धीरे ठीक करने लगती है बीमारी को तो अम्मो जो है ना धीरे धीरे ठीक होने लगती है तो उसके बेटे देखते हैं कि मेरी माँ तो मर ही नहीं रही है तो क्या करते हैं अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं उसी तरह जो ख्वाजा भी रहती है उसको कुछ रियाल डॉलर वगैरह देते हैं और चले जाते हैं वापस कहाँ अपने अपने देश अम्मो को अकेले छोड़कर और शायद ये अम्मो देख लेती है और वहीं पर अम्मो का इंतकाल हो जाता है और इस तरह चारों बेटे जो प्रॉमिस किए रहते हैं अपनी माँ को कांधा देने का वो प्रॉमिस पूरा भी नहीं हो पाता है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सैयद अजीज़ अहमद ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे अपनी बेटी और बेटी सॉरी बेटी नहीं रहेगा बेटे अपने बेटे ठीक है अपने बेटे और बीवी की बचलूकी से अजीज़ अहमद जब तंग आ गए और फिक्र में इस कदर डूबे कि एक बार सख्त बीमार पड़ गए ईसीजी कराया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने खतरनाक बीमारी का इशारा किया सिगरेट जो उनका पुराना साथी था उस पर डॉक्टर ने मुकम्मल पाबंदी लगा दिया अब रातों को तन्हाई में लिखने पढ़ने के दौरान उन्हें सिगरेट की जुदाई का कर्ब सताने लगा इस कर्ब को मिटाने के लिए उन्हें एक पुराना साथी की याद आई और उनका पुराना साथी क्या था ट्रांजिस्टर तो उनका पुराना ट्रांजिस्टर जो उन्हें दिल की बातें सुनाया करता था अब वह ट्रांजिस्टर को नहायत शिद्दत से ढूंढने लगे तो क्यों ढूंढ रहे थे क्योंकि वो उनका पुराना साथी था और अपने अकेलापन को दूर करने के लिए वो ट्रांजिस्टर ढूंढ रहे थे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है कि डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए लोग उन्हें क्यों भूल गए तो आंसर में देखिए लिखा गया है कि डायरेक्टर जनरल सैयद अज़ीज़ अहमद लोगों के जहनों से इसलिए फरामोश हो गए कि सबकदोशी के बाद यहाँ पर सबकदोशी गलत टाइप हो गया है दोषी इस तरह से रहेगा दोशी। सुबुक दोषी दोषी के बाद उन्होंने गाड़ी रखना छोड़ दिया तो लोगों से मिलना मिलाना कम हो गया यानी कि जब ये रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के बाद गाड़ी रखना छोड़ दिए अब जब गाड़ी नहीं थी तो लोगों से मिलने कैसे जाए तो मिलना मिलाना छूट गया इसलिए लोग इन्हें भूल गए और वह डायरेक्टर जनरल भी थे लोग ये भी भूल गए और नेम प्लेट भी लगाया तो सिर्फ़ सैयद अज़ीज़ अहमद मतलब सैयद अजीज़ अहमद न लगाकर सिर्फ अजीज़ अहमद का लगाया जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग ये भी भूल गए कि ये सैयद जादे थे मतलब सैयद अजीज़ अहमद लगाते तो लोगों को याद रहता कि हाँ ये सैयद जादे हैं लेकिन ये सिर्फ अजीज़ अहमद का नेम प्लेट लगाए थे अपने घर के सामने यहाँ तक के लोग यह भी भूल गए कि वह अजीज़ अहमद भी थे ठीक है सोचिए दस साल हो गए थे सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर हुए डायरेक्टर जनरल के पोस्ट से रिटायर हुए दस साल हो गए थे और इन दस सालों में लोग पूरी तरीके से सैयद अजीज अहमद को भूल चुके थे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि अब यहाँ पर थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है कि आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कंधे पर लिए फिरेंगे यह बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से क्यों कही तो यह बात बीवी ने सैयद अज़ीज़ अहमद से इसलिए कही कि डायरेक्टर के अहदे से रिटायर होने के बाद अजीज़ अहमद तकरीबन बेकार हो गए थे और अक्सर दोनों मियाँ बीवी बीमार भी रहने लगे थे इसलिए तंगी में गुजर बसर होती थी इधर डायरेक्टर साहब सोचते थे कि अब कोई काम भी करेंगे तो वह डायरेक्टरी से कम तर दर्जे का ही होगा और इसी वजह से वह किसी भी काम को पस्त समझते थे और इसीलिए बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद को समझाया कि डायरेक्टरी की लाश कब तक अपने कांधों पर लिए फिरेंगे यानी कि ढोते रहेंगे अगला क्वेश्चन देखिए आप बहुत काबिल और बड़े दानिश्वर हुए हुआ कीजिए असल बात यह है कि आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ बेटे ने यह बात क्यों कही तो जवाब में लिखा हुआ है कि बेटे ने अपने बाप यानी सैयद अजीज़ अहमद जो कि सबकदोश डायरेक्टर जनरल थे यानी कि सबकदोश हो गए थे रिटायर हो गए थे से यह बात इसलिए कही कि आप ख्वाह बहुत बड़े काबिल और दानश्वर हुआ हो लीजिए लेकिन आपको इससे मादी फ़ायदा क्या हासिल हुआ बेटे के कहने का मकसद यह था कि आप चाहे कुछ भी कीजिए लेकिन हमें आमदनी से मतलब है यानी चाहे आप जहां से ला कर दीजिए बाप का मतलब है औलाद के लिए आमदनी का जरिया अगर बेटे को बाप से कोई मादी फ़ायदा नहीं मिला तो बाप का वजूद ही बेकार है तो ये बात जो है ना बेटा अपने बाप यानी कि सैयद अजीज़ अहमद से कहता है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है कि पागल खाने के वे लोग जिनका ज़हनी तोन बिल्कुल दुरुस्त था किस परेशानी में गिरफ्त थे तो पागल खाने में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ज़हनी तोन बिल्कुल दुरुस्त था उनकी परेशानी यह थी कि वह लोग बुनियादी तौर पर कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ रिश्वत देकर पागल खाने में भिजवा दिया था ताकि वह फांसी की सज़ा से बच जाए या लोग इतना तो समझते थे कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया है यानी कि हिंदुस्तान बढ़ चुका है और पाकिस्तान बन गया है लेकिन अखबार से उनको सही वाक्यात का इल्म नहीं हो पाता था कि पाकिस्तान कहाँ है हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में है तो फिर कुछ दिनों पहले उसी जेल में रह कर वह हिंदुस्तान में थे या ऐसा कैसे हो गया मतलब कि वो अभी हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आगे बढ़ते हैं चालीस नंबर सवाल कि शहजादा फकीर की बेटी को देखकर बेहोश क्यों हो गया तो शहजादा फकीर की बेटी को देख इसलिए बेहोश हो गया कि वह फकीर की लड़की नहाए ही हसीन व जमील थी यानी कि खूबसूरत थी दूसरी बात यह कि वही लड़की थी जिसकी तलाश में मलिक सादिक ने उसे भेजा था जब उसने मलिक सादिक की दी हुई तस्वीर को हाथ में लेकर उस लड़की से मिलाया तो यह वही लड़की थी जिसकी तलाश में वह सात सालों से दर दर की खाक छान रहा था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन रब और अब्दुल्ला भैसा कौन था तो अब्दुल रब जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी धोरन गांव के स्कूल का हेडमास्टर था और अब्दुल्ला भैंसा उसी गांव के सरपंच का एक लड़का था क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है कि अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक कौन है और यह किस मजमू से खर्ज किया गया है यानी कि अफसाना इब्राहिम चक्का के लिखने वाले कौन है तो देखिए यहाँ पर आंसर में लिखा गया है कि अफसाना इब्राहिम चक्का के खालिक सलाम बिन रजाक हैं। सलाम बिन रजाक महाराष्ट्र सूबे के रहने वाले हैं और यह कहानी वहीं के सामाजिक पस मंजर में है यह सलाम यह अफसाना सलाम बिन रजाक के अफसानवी मजमु शिकस्ता बूतों के दरमियान से माखूज है यह समाज के कमजोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कहानी है यानी कि ये या जो कहानी है इस कहानी के खालिक कौन है खालिक है सलाम बिन रजाक और ये कहानी किस मजमू यानी कि किस किताब से ली गई है तो शिकस्त बूतों के दरमियान से ली गई है अगला क्वेश्चन है कि अफसाना भूले बिसरे गीत की तलखीस पेश कीजिए यानी कि यह जो कहानी है अफसाना ना भूले बिसरगी इसका ओवरव्यू करना है इस कहानी में क्या-क्या बताया गया है ये आप लोगों को बताना है तो देखिए ये पांच नंबर का पूछा जाता है इसी वजह से इसका लंबा आंसर होगा तो मैं देखिए आंसर लिखी हूं एकदम बेहतरीन तरीके से लफ्जों को सजाकर पढ़िए और समझिए या फिर मैं ही पढ़ रही हूं आप लोग ध्यान से सुनिए ज़ेर नेताब अफसाना भूले बिसरे गीत शफ़ी जावेद का एक नुमाइंदा अफसाना है कहानी कुछ इस तरह है कि सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर जनरल के अहदे से रिटायर हुए दस साल का अर्सा बीत चुका था उन्होंने गाड़ी हटा दिया तो लोगों से मिलना मिलाना भी कम हो गया यहाँ तक कि अजीज़ अहमद ने घर में नेम प्लेट भी सिर्फ अजीज अहमद का लगाया इससे नुकसान हुआ कि रफ्तार रफ्तार लोग यह भी भूल गए कि सैयद अजीज अहमद कोई डायरेक्टर भी थे फिर यह यह भी भूल गए कि अजीज़ अहमद सैयद यादे भी थे यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि लोग यह भी फरामोश कर गए कि अज़ीज़ अहमद नाम का कोई आदमी भी था अब अज़ीज़ अहमद सिर्फ़ चचा या नाना जान रह गए थे अब अज़ीज़ अहमद इतना इतना तन्हा रहने लगे थे तन्हाई में उन्हें अपने अहदे का ज़माना याद आ रहा था एक छोटा सा घर था जिसमें घुटन महसूस करने लगे थे घर के लोगों का नज़रअंदाज करना तो एक अलामती बात थी समाज ने भी उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था किसी प्रोग्राम में जाते तो मिलने वाले भी उनको बेकारी का ताना दिया करते थे बीवी और बेटे थे कि उनको चैन से बैठने नहीं देते थे यहाँ तक कि अज़ीज़ अहमद एक दिन सख्त बीमार हो गए और डॉक्टर ने सिगरेट मुकम्मल छोड़ देने के लिए कहा और आराम का मशवरा दिया इस तनहाई के क्रब में उन्हें अपना पुराना ट्रांजिस्टर याद आया जो उनका कदीम यानी कि पुराना साथी था ट्रांजिस्टर की तलाश करने में मसरूफ़ हो गए और रात भर तलाश करने के बाद आखिरकार ट्रांजिस्टर तो ढूँढ निकाला लेकिन उनके चेहरे पर फातेना चमक थी और अब भी मुस्कुराहट थी सुबह के साढ़े सात बज चुके थे और भले बिसरे गीत का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और सैयद अजीज़ अहमद की मौत भी हो चुकी थी ठीक है तो इस तरह देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इस अफसाना भूले बिसरे गीत का तलखीज़ पेश किया गया है शॉर्टकट में बताया गया है ओवरव्यू किया गया है आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोटी फ़ोर है कि प्रॉमिस अफसाने का खुलासा लिखिए यानी कि तलखीश पेश करना है ओवरव्यू करना है कि इस कहानी में क्या क्या बताया गया है तो देखिए इसका भी आंसर अफ़साना प्रॉमिस जिलानी बानो का एक हकीकत पसंद अफसाना है इस अफसाने में इंसानी रिश्तों के खोखलेपन की उकासी की गई है कहानी कुछ यूँ है कि हिंदुस्तान के एक खानदान में अम्मो नाम की एक खातून थी अम्मो इस कहानी की मरकज़ी किरदार भी है और एक जागीरदार खानदान से ताल्लुक़ रखती है उनके शौहर वकील हैं अम्मो ने अपने बेटे को आला तालीम दिलवाया उनके चार बेटे इस तरह है जमशेद खुर्शीद रशीद और हमीद जिनमें तीनों बड़े बेटे अम्मो के जायदाद बेच कर जिन देखिए जिनमें ये जो स्टार्टिंग के तीनों बड़े बेटे हैं ना इन तीनों बड़े बेटे को अम्मो ने जायदाद बेच कर डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह बनवा दिया लेकिन छोटा बेटा हमीद पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था चुनाचा हुआ एक सियासी पार्टी ज्वाइन किया और रफ्ता रफ्ता वजीर के अहदे तक पहुँच गया यानी कि मंत्री वगैरह बन गया तीनों बड़े बेटे अम्मो को अकेले छोड़कर दूसरे मुल्क में अपने परिवार के साथ रहने लगे और छोटा बेटा हमीद भी अम्मो को अकेले छोड़कर दिल्ली चला गया क्योंकि तो वो मंत्री बन गया था इसी बीच अम्मो को कैंसर का मर्ज दबोच लिया अब दो साल बीत चुके थे अकेली एक मिनट रुक जाए अब दो साल बीत चुके थे टेलीफोन के जरिए कभी कभी माँ से बेटों की गुफ्तु हो जाती थी अम्मो के सभी बेटों ने अम्मो से यह प्रॉमिस किया था कि वह अपनी माँ के जनाजे को कांधा देंगे जब माँ की हालत नाजुक हो चली तो बेटों को फ़ोन किया गया तीनों बेटे जो दूसरे मुल्क में थे कांधे देने के लिए आ गए छोटा बेटा हमीद का कहना था कि मैं तो हिंदुस्तान में ही हूँ अम्मो की जब भी मौत होती है आप लोग हमें कॉल करके बुला लीजिए मैं कांदे देने के लिए आ जाऊंगा अम्मो का तो इंतकाल नहीं हुआ और उनके बेटे अम्मो की खादमा ख्वाजा बी को डॉलर और रियाल देकर वापस चले गए और इस तरह अम्मो के बेटे अम्मो के जनाजा में शरीक नहीं हो सके ठीक है ये पूरी कहानी थी आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन है कि अफसाना इब्राहिम सक्का के पेश नजर सलाम बिन रजाक के जज्बात निगारी पर रोशनी डाली है तो अफसाना इब्राहिम सक्का जो है सलाम बिन रजाक का एक जज्बाती अफसाना भी कहा जा सकता है इस अफसाने में सलाम बिन रजाक ने जज्बात निगारी पर भरपूर तो दी है अफसाना के मरकजी किरदार इब्राहिम सक्का है बिल्कुल मामूली शक्ल व सूरत का एक ग़रीब साकी अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ महरूमियाँ और उसकी हसरतों से अच्छी तरह वाकिफ़ है वह वह खुददार और मेहनती है यहाँ पर यह गलत टाइप हो गया वह खुददार और मेहनती है वह किसी के रहम व करम और दूसरों के टुकड़ों पर जीना नहीं चाहता है यह तमाम बातें कहानी के जरिए सलाम बिन रजाक ने बहुत ही उमदा तरीके से बयान कर दिया है उसके इश्क के अलमनाक इंजाम की ड्रामाई पेशकश में सलाम बिन रजाक ने जज्बात निगारी की कमाल का मुजाहरा किया है यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है इब्राहिम सक्का वो बेदार खा की बहन से मोहब्बत करता था और इसकी जो अलमनाक अंजाम है ना यानी कि जो इंडिंग होती है इस कहानी की मतलब दो जो प्रेमी बिछड़ जाते हैं जो दर्दनाक इंडिंग होती है वो वाकई मतलब अंदर से झिझोर देने वाली है जज्बात निगारी की मतलब इसमें जज्बात निगारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से मतलब इस ये जो जज्बात निगारी की जो कला है ना वो सलाम बिन रजाक में मतलब आप यूँ कह सकते हैं इनके अंदर ये कला ठूस ठूस कर भरी हुई है इनकी कहानी में जज्बात निगारी उभर कर सामने आती है इसकी जो अलमनाक अंजाम दिखाया गया इस कहानी में जिस तरह से एंडिंग होता है वो वाकई में एकदम ज़बरदस्त है इमोशनल कर देने वाला तो वही बताया जा रहा है कि इस्लाम बिन रज़ाक ने जज्बात निगारी की कमाल का मुजाहिरा किया है तो फाइनली आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के उर्दू के बुक से चैप्टर वन से लेकर टेन तक के सभी मस्ट वी वी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए इसी तरह इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग अगले दस चैप्टर यानी कि ग्यारह से लेकर बीस चैप्टर तक के सभी वी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम्प्लीट करेंगे फिर उसके अगले वीडियो में उसी तरह यानी कि अगले दस चैप्टर इक्कीस से लेकर तीस और फिर उसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इक्कीस से लेकर चालीस यानी कि चार वीडियो में टोटल चालीस चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है चारों वीडियो आप लोगों के लिए अमृत के समान होगा एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा आज का तो ये एक वीडियो कंप्लीट हो गया अब अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए एकदम टकटकी लगाकर रख रखिएगा कि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोग तुरंत देख लें हर एक वीडियो आप लोगों के लिए अमृत के समान है ठीक है हर एक वीडियो में आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से हर वो कंटेंट दिया जा रहा है जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं तो हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोग भी हमारे साथ उतनी शिद्दत के साथ जुड़ जाए हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग हमसे दोगुना मेहनत कीजिए अपने आप के लिए आप अपने लिए ठीक है तो लग जाइए अब समय नहीं है काफ़ी कम समय है और पूरे जोश जुनून के साथ कम तैयारी ज़बरदस्त करनी है लेकिन आप ये भी नहीं कि किताबी कीड़ा बन जाए किताबी कीड़ा भी नहीं बनना है दिन रात पढ़ाई कर नहीं करते रहना है पढ़ाई कीजिए लेकिन रूटीन भी होना चाहिए टाइम टेबल बना लीजिए ठीक है अगर एक घंटा पढ़ रहे हैं तो एक घंटा में पचास मिनट पढ़िए दस मिनट थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लीजिए क्योंकि इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है और हमने सुना भी है कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती जिंदा है और जिसका कुछ भी जिंदा नहीं है वो ज़बरदस्ती ज़िंदा है इसी वजह से मस्ती करते रहना चाहिए इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है आराम से पचास मिनट पढ़ाई कीजिए और दस मिनट थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए अपने मम्मी पापा के साथ बात कर लीजिए आप लोग के छोटे छोटे भाई बहन होंगे नहीं होंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी होंगे उनके साथ खेल लीजिए और फिर वापस आकर अपना पढ़ाई में लग जाइए ठीक है थोड़ा हेल्थी भी रहना ज़रूरी है अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए ये नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में हेल्थ का ही ध्यान न रखें तो फिर एग्ज़ाम के दिन आप लोग की तबीयत ही ख़राब हो जाएगी एग्ज़ाम भी छूट जाएगा और पढ़ाई आप लोग की बर्बाद हो जाएगी तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट बड़ इन करते हैं आई होप आप लोग लाइक शेयर वगैरह कर ही दिए होंगे इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ बाय बाय टेक केयर फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और ख़ुदा हाफिज़